Good morning, students. Today we discuss the very short question answer of chapter 3rd, second book, because 50% of your question paper come with a very short question answer. So you should read every chapter very deeply, and we will discuss the very short type of question answers. So first question is, what are the objectives of planning? Because chapter is politics of plan development. So what are the objectives of planning? The objectives of planning are to make economy self-reliant and the self-generating through plan strategies and the active distributing justice among the various sections of economy. ठीक है, प्लानिंग से क्या होता है बेटा? कोई काम अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरह से वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. और अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो प्लानिंग का क्या यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो जो हमारी पूरी क्या कहते हैं सोसाइटी है उसमें ये पूरी कोशिश की जाती है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो. हाईलाइट द टू एरियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाईलाइट द टू एरियाज ऑन विच द फर्स्ट 5 year प्लान वॉज फोकस्ड. The first 5 year plans were focused in 1950 to be drafted by a young economist K.N. Rath with the emphasis of poverty alleviation. Its main thrust were as follow. Number one, to invest in the irrigation and dams to improve agricultural sector, which urgent attention. Huge allocation were made for the large scale projects like Bhakra Nagal Dam. तो ये बच्चों कल जो मैंने आपको नोट्स डिस्कस किए थे, इस चैप्टर को मैंने समराइज किया था, तब मैंने ये दोनों चीज़ें बताई थी कि फर्स्ट 5 year जो प्लान है उसमें हम लोगों ने पहले क्या किया था, क्योंकि हमारी 65% आज भी जो है पीपल इंडिया में, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने के बावजूद भी हमारी जो अभी भी 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर. उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए 70 साल पहले तो मोर देन 75% पीपल ऑफ इंडिया आर depend on agriculture and the main occupation in India are यहाँ तो क्या कहते थे हम लोग छोटे में, ऐसे लिखते थे हिंदी में, तो क्या लिखते थे? भारत एक कृषि प्रधान देश है. इट मीन्स द मोर परसेंट ऑफ इंडियन पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. इट मीन्स देयर ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. ठीक है, सो फर्स्ट 5 year प्लान में हमने उसको कि जिससे 75% पीपल जो है उससे बेनिफिट उनको मिल सके, तो हमने इसमें किया. और दूसरा इरिगेशन को प्रमोट किया है ना. और हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट था भाखड़ा नहगल, मैंने बताया था, जिसने पूरे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली ला दी. इट मीन्स जो डैम होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से द डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज उस टाइम इंडिया में आज भी जो डैम्स की ज़्यादा ज़रूरत है. रीज़न, डैम्स जो हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? एक तो इरिगेशन अच्छी प्रोवाइड करते हैं, नंबर टू फ्लड कंट्रोल करते हैं, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो जो भाखड़ा नहगल डैम बना बच्चों पंजाब के अंदर, तो क्या हुआ वहाँ पर कि इतनी मतलब वहाँ पर प्रोग्रेस हुई, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर को अच्छा बेनिफिट मिला, नंबर टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से क्या हुआ कि वहाँ पर जो है इंडस्ट्री भी अच्छी डेवलप हो गई.
एज वेल एज कई पिकनिक स्पॉट हो गए, जिससे भी क्या होता है कि पिकनिक प्लेसेस बन गए, जिससे कि वहाँ पर, और तीसरा इकोसिस्टम जो है अच्छा डेवलप हो जाता है वहाँ की, जो है ना वो अच्छा होता है, फ्लड को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ लेफ्ट विंग इन पॉलिटिक्स? ठीक है, पॉलिटिक्स में बेटा जो आइडियोलॉजी है वो दो विंग्स होती है, एक तो लेफ्ट विंग और एक राइट विंग, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, दीज रेफर टू द पोजिशन ऑफ कंसर्नटेड पार्टी ऑफ ग्रुप, द लेफ्ट सिग्निफाइंग द फेवर ऑफ पुअर एंड द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें क्या है कि इनका मतलब उन पार्टियों से है लेफ्ट विंग, जो चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं, उस सेक्शन को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू उनको राइज किया जाए। एंड नाउ व्हाट इज़ द राइट विंग पॉलिटिक्स? इट रेफर्स द कनेक्टेड पार्टी ऑफ ग्रुप, इस इनका मतलब उन पार्टीज और उन ग्रुप से होता है। द राइट सिग्निफिकाइज द फेवर ऑफ इकोनॉमी इन अ मार्केट, नॉट इन द इंटरवीन अननेसेसरली बाई द गवर्नमेंट। ये जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि इसमें जो इकोनॉमी होती है वो उसको ओपन कर दिया जाए, इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का जो है वो नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। हु वॉज जे सी कुमरप्पा? जे सी कुमरप्पा वॉज अ इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। कुरियप्पा अ पायनियर ऑफ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरीज, क्रेडिट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन गांधीजम, अ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इट पॉइंटेड गांधी इकोनॉमिक, इट वॉज अ ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ द प्रिफरेंस एंड अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, विच आर द टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज एडॉप्ट बाई इंडिया? द टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स आर कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया एडॉप्ट द एलिमेंट फॉर्म ऑफ दीज मॉडल्स टूगेदर नोन एट द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैंने आपको नोट्स में बताया था कि रशिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू ग्रुप्स बन गए थे, है ना, बायोकोलियर। तो उसमें क्या था, एक जो रशिया था वो क्या क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में था, और जो अमेरिका था वो कैपिटलिस्ट। बट इंडिया ने ना किसी को भी फॉलो ना करते हुए मिडिल वे मिक्स्ड इकोनॉमी को उसने फॉलो किया था। इट मींस कई जगह पर ओपन थी और कई जगह पर हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है, हाउ डिड इंडिया ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ? इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको कैसे ग्रो किया? सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लूड मेगा डैम्स लाइक भाखड़ा नागल एंड द हीराकुंड और इरीगेशन पावर जनरेशन। हैवी इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड इन द पब्लिक सेक्टर लाइक कोल रिफाइंड ऑयल रिफाइनरीज स्टील प्लांट डिफेंस प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कम्युनिकेशन वर ऑल्सो इम्प्रूव। इंडिया में भाखड़ा नेगल डैम, हीराकुंड, ये सब आपने पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर, मैप के अंदर आपको भरने को आता था। हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है, भाखड़ा नगल सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इससे क्या हुआ, इरिगेशन इम्प्रूव हुई, पावर जनरेट हुई, और जिससे कि इंडस्ट्री बनने से ना बहुत सारे प्लांट्स लगे, जैसे कि डिफेंस, है ना, एनिमेशन बनाने लगे, और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कम्युनिकेशन और ये सब जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। बच्चों
इको के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जिन कंट्री में सेकेंडरी एक्टिविटीज ज़्यादा डेवलप हुई, इट मींस कि प्राइमरी एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर होती है और सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री होती है, तो हमें एग्रीकल्चर पे तो हमने ध्यान दिया ही दिया, साथ में हमने इंडस्ट्री को भी डेवलप किया। जिन्होंने अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी को डेवलप कर लिया ना बच्चों, तो वो क्या होते हैं, वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से वहाँ पर हथियार भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे फॉरेन करेंसी भी, आज हम चाइना को पूरी अमेरिका से भी मुकाबला करते हुए देख पा रहे हैं। तो रीज़न क्या है, वहाँ पर उन्होंने अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा अच्छा डेवलप किया है। अभी अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन विच कैपिटलिस्ट ओन रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पब्लिक सेक्टर इन विच द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज, ये क्या है, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर जो किसी भी उद्योगपति है ना, जैसे कि इंडिया में अंबानी है, रिलायंस है ना ग्रुप है, टाटा है, बिरला है, इनके अपने होते हैं ये, तो ये अपने प्रोडक्शन खुद करते हैं और उनकी प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी होती है। अगलेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाई द स्टेट, इंडिया एडोप्टेड एलिमेंट बोथ दीज मॉडल, देयर फॉर द इकोनॉमी इज कॉल्ड अ मिक्स। और एक होती है बेटा कि जिसमें सारी जो यूनिट्स होती हैं वो अंडर कंट्रोल होती हैं किसके, गवर्नमेंट के, बट इंडिया ने दोनों तरह की रखी, कुछ सरकारी भी लगाई और कुछ जो है प्राइवेट भी स्टार्ट करी, कुछ जॉइंट सेक्शन, ये भी सब आपने इंडस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ जो होते हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर, ये होते हैं। ठीक है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान। अब जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसके दो ऑब्जेक्टिव बताइए। द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान आर सीजेबल इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम सो टू राइज द लेवल ऑफ लिविंग इन अ कंट्री, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑफ डेवलपमेंट बेसिंग हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मेंशन टू एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटे, पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, जब हम जो क्या कहते हैं 1960 से 70 के बीच में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या था कि पहले हम डिपेंडेंट थे बिग पावर से, अमेरिका और इन पे, हम लोग जो अपने जो वीट्स है ये भी हम खाने का सामान भी जो है इनसे एक्सपोर्ट करते थे, बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, अब हम क्या करते हैं, हम खाने पीने का सामान एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके क्या हैं एडवांटेज बतानी है अभी। द ग्रीन द एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंश्योर्ड फूड सफिशिएंसी इन अ कंट्री इन मैनी पार्ट स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड लैंडलॉर्ड प्रोड्यूस कंडीशन फेवरिंग लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट द, अच्छा देखो इससे क्या हुआ कि एक तो कंट्री के अंदर बहुत सारे खाने का सामान हो गया है ना, फूड ग्रेन हो गए। नंबर टू, जो कई एरियाज़ के अंदर जो रिच और पुअर प्रेजेंट के अंदर डिफरेंसेस था वो जो है ख़त्म हो गया और उनकी कंडीशन को काफ़ी फेवरेबल जो है एनवायरनमेंट मिला, किनको, पुअर प्रेजेंट्स को। दूसरा पॉइंट है द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ राइज ऑफ मिडिल पीजेंट सेक्शन, दिस वर द फॉर्म ऑफ द मीडियम साइज होल्डिंग हु बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंजेस इन सून एमर्ज इन अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैंशन एनी टू टेक्निक्स यूज बाई अ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या 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 चेंजेस आए। द टू टेक्निक्स आर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज शील्ड एंड इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन
increase the production of the country and sufficient in the food grain, improving agriculture in India. Growing two crops one same land increase the crop production and its variety. What is the mean of decentralization planning? Decentralization planning is designed to involve the people through voluntary citizen organizing, making a part of panchayat, blocks and district level, and example a Kerala model. Next hai bachcho, how much national income increased during the first plan? क्या हमारी जो first 5 year plan थे उसमें कितनी income increase हुई? National income over the 5 year plans increased by about 18%, food grain production went up 20%, industrial production increased with advantage annual rate of 7%. ठीक है, तो ये हमें उससे benefits हुए. What is green revolution? Highlight any two effects. Green revolution is introduced to bring out revolutionary changes in agriculture, especially in food grains like wheat and rice, and increase the production. Production was increased by the use of high yielding varieties of shield. Sufficient irrigation and fertilizer were also applied. Scientific irrigation and fertilizer also applied. साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और हाई क्वालिटी के जो हमने शीट्स थे उनको यूज़ किया, जिससे कि हमारी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी शुरू हो गई. ठीक है, नाउ व्हाट आर नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर. व्हाट वर द मेजर डिफरेंस इन अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपिंग टाइम इंडिपेंडेंस एंड डिबेट ऑफ द रिजल्ट. द टर्म डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज कंट्री द वेस्ट, इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन द ट्रेडिशन सोशल स्ट्रक्चर एज वेल एज राइज द कैपिटलिस्ट एंड द लिबरलिज्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, हमारा जो कंट्री था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इट मींस यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे उनके जो सोशल ट्रेडिशंस थे उनको ब्रेक डाउन किया. मॉडर्नाइजेशन रेफर टू ग्रोथ मटेरियल प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक. इंडियन हैज़ टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, टाइम इंडिपेंडेंट and the consideration of the adoption like the liberal capitalist made by the Europe and US and the socialist like the USSR. ठीक है, अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो किया है उसी का ये बड़ा होके आ जाएगा. ठीक है, दीज हैव बीन डिबेट रिगार्डिंग द एडोप्शन ऑफ द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड द कम्युनिस्ट सोशलर पंडित जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट द सोशलिस्ट मॉडल and report broad consensus of the developing during the national movement. The discussed idea shows that the government made priority to poverty alleviation among the social and the economic redistribution, whilst the same time these leaders defended the debate about where the industrialization should be preferred. Path of the agricultural development should be take place of the rural poverty should be. तो क्या था कि हम लोगों ने मिडिल वे अडॉप्ट किया, क्यों? क्योंकि क्या रीज़न था बच्चों? क्योंकि हमें अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें अपनी इंडस्ट्री को भी डेवलप करना था, जिससे कि हम जो है दुनिया की इकोनॉमी के साथ अपने आप को हम भी अपने को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के अंदर करें. हम लोग सोशलिज्म में बिलीव करते थे, इट मींस कि हम चाहते थे कि सबके साथ इक्वलिटी हो, बट एज वेल एज हम अपना सेकेंडरी सेक्शन भी हमें डेवलप करना था, क्योंकि अगर जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो हम सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे और हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को
नहीं मतलब कर पाएंगे। तो हमारे जो जो लीडर्स थे उन्होंने मिक्स जो इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था कैपिटलिस्ट के साथ साथ, उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में मिक्स को किया जिससे कि सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिस्ट कंट्री। सो स्टूडेंट आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट पीरियड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।